अहमदाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अंग्रेजी शराब की दुकान के पीछे बने गोदाम में रखा सिलेंडर आग की चपेट में आने से फट गया। सिलेंडर फटने से दुकान के आसपास मौजूद आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से झुलस गए। तेज धमाका होने पर आसपास के लोग भी सहम गए। सूचना पर पुलिस के साथ पहुंचे दमकल कर्मियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। घायलों को काट रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के प्रेम नगर की है। यहाँ पर अंग्रेजी शराब की दुकान है। परिजन के अनुसार दोपहर को कुछ लोगों ने दुकान के पीछे से धुआं उठता देखा, जिस पर उन्होंने दुकान स्वामी को इसकी जानकारी दी। चेक करने पर मालूम हुआ कि पीछे रखे गत्तों में आग लग गई है। कुछ देर बाद आग ने दुकान के पीछे रखे गैस के सिलेंडर को अपनी चपेट में ले लिया। तेज धमाके के साथ सिलेंडर फटा तो मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में दुकान में बैठे सेल्समैन अनिल कुमार के अलावा कमल सिंह, ब्रजपाल, आकाश, दानिश और अंकुर बुरी तरीके से झुलस गए। बताया जाता है कि ये सभी लोग आग से झुलसे हुए लोग आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। धमाके के बाद चीख पुकार मचने पर तमाम लोग मौके पर पहुंच गए और आग को काबू करने की तमाम कोशिश की, जिसके बाद सूचना पर सिविल लाइन पुलिस दमकल कर्मियों के साथ मौके पर पहुंच गई। आग पर काबू पाने के बाद पुलिस ने घायलों को कांट रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर दो घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है जबकि 5 लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। क्या नाम आपका? दानिश। क्या करते हैं आप? वेल्डिंग की दुकान है। कहाँ पर? वहाँ पे बराबर। अच्छा, क्या हादसा हुआ, कहाँ पर हुआ यह हादसा? कैसे हुआ हादसा? आग लग गई थी बियर की दुकान में, सिलेंडर फट गया। कैसे फटा सिलेंडर? कुछ ये मालूम नहीं। कितने लोग जुड़े उसमें? मालूम। आप तो उस दुकान के बराबर में थे, तो आप तक आग कैसे आ गई? तो अंदर देख रहे थे, थोड़ा आग लग गई थी तो बहुत लपट। अच्छा, आशियाना चौकी अंतर्गत प्रेम नगर है, वहाँ पे एक शराब अंग्रेजी शराब की दुकान थी। उसके पीछे एक हॉल था, वहाँ पे गैस सिलेंडर पे वो लोग कुछ काम कर रहे थे, दूध वगैरह उबाल रहे थे, बट उनका ध्यान उस पर नहीं गया जिससे कि वो उबला और आसपास के जो आग पकड़ ली और गत्ते में लगी हुई आग से फिर वो गैस सिलेंडर की तरफ बढ़ गई और गैस सिलेंडर उससे फट गया। तो मौके पे जो उस पर बुझा रहे थे आग, उनमें से 5-6 लोग जो हैं उनको आग की वजह से जो है इन दुर्घटनाग्रस्त हो गए, उनको कॉस्मोस में भर्ती करवाया गया है, जिसमें से एक अभी डिस्चार्ज हो गया। 5 लोगों का उपचार के बाद उनको भी जैसा होगा डिस्चार्ज किया जाएगा।